सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो गाइस, बहुत दिन का बाद भाई आपका भाई वीडियो बना रहा है, क्योंकि मेरा बोर्ड का एग्जाम चल रहा था और घर में काम हो रहा था, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे। इससे रेगुलर वीडियो आने वाला है, जैसे कि आज मैं इंट्रो बाद में शूट कर लूँ। मेरा ब्लॉग शूट हो चुका है, तो आप लोग देखने वाले हो पल्सर एनएस 160 का ऊपर होने वाला है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चलो से कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। तो चलिए वीडियो को आगे सब्सक्राइब कर लो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो करना कर दीजिए। सो चलो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मेरा बाइक पल्सर एनएस 160, हम आगे वाला वीडियो में भी इस बाइक में बताए थे बाइक में क्या क्या लगा हुआ। इस वाला वीडियो बना रहे क्योंकि बाइक में दो चीज़ सामान ऐड हो चुका है और बाइक सर्विसिंग भी हो चुका है। अब सर्विसिंग कॉस्ट कितना है, कितना नंबर सर्विसिंग है, ये सब आपको बताने वाले। तो सो गाइस, इस बाइक में फर्स्ट में डोमिनर का इंडिकेटर स्टॉल है और 1000 लाइट भी बाइक में लगा हुआ है और इसमें भैया लीवर प्रोटेक्टर भी लगा दिए बाइक में। बाइक का 5th सर्विसिंग भैया ने कंपनी से करवाया है। सिंग कॉस्ट आया अराउंड 2000 रुपीज़ और शोरूम से टैबलम कोटिंग भी करवाया है, जो साइन मार रहा है बाइक, देख ही सकते हो आप लोग। डिस्पैच भी चेंज हुआ है, आगे का डिस्पैच ख़त्म हो चुका था, अभी डिस्पैच भी चेंज करा लिया। सो गाइस, अभी बाइक में जो डोमिनर का इंडिकेटर जो 1000 फ्लशर है वो अभी जला के भैया दिखाएगा। देख सकते हो नाइट में और अच्छा समझ में आएगा। भैया ने रेड लाइट भी इंस्टॉल करवाया है, ये देखिए डेविल लुक लग रहा है बाइक का। साउंड भी चेंज हो चुका है सर्विसिंग का बाद। वैसे ये रहा जो पल्सर एनएस 160। सो गाइस, ये बाइक बहुत अच्छा बाइक है और बाइक का माइलेज भी बहुत अच्छा है। पल्सर एनएस 200 अफोर्ड नहीं कर सकते, इसको आप अफोर्ड कर सकते हो। ये बाइक बहुत ही अच्छा है, जैसे 200 जैसे हेवी लगता है, इस बाइक में हेवी फील होगा और बाइक में चलाने कोई कमी नहीं है, बाइक पूरा स्मूथ है। भैया का बाइक लेते हुए 1.5 साल हो चुका है और बाइक अभी भी बहुत स्मूथ चल रहा है, बाइक में कोई कमी नहीं है। सो गाइस, आप चाहो तो इस बाइक का लुक का मामला से भी बहुत अच्छा लगता है, बाइक का लुक भी बहुत अच्छा है, आप चाहो तो इसको ले सकते हो। डेविल का तरफ लुक लगता है पल्सर एनएस 160, जब रोड पे भी चलता है तो बहुत अच्छा लगता है। आपको डेली सिटी राइड वगैरह करना है, कभी कभार निकालना है तो आप ले सकते हो, पूरा कंफर्टेबल बाइक है, ऐसे नहीं कि इसका एग्रेसिव है, कुछ भी ऐसे कुछ नहीं है। इसका जो गियर शिफ्टिंग है वो ये भी बहुत स्मूथ है गियर शिफ्टिंग। बाइक का ब्रेक भी बहुत ज़बरदस्त है। इस बाइक में क्या बताया जा, और इस बाइक में कुछ बताने का नहीं है, बहुत ही अच्छा बाइक है। बजट के हिसाब से बाइक एक नंबर है। एग्जॉस्ट मतलब नीचा है, मतलब ऊपर नहीं है एग्जॉस्ट, और बाइक में किक है, एक बड़ा एक मेन चीज़ है बाइक में, आपको किक मिल जाता है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड जरूर से सब्सक्राइब कर देना।